एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है कि अगर आपके पास मान लो तीन किस्म के लिक्विड्स हैं, अब देख रहे हो यहाँ पे, ये आपका मान लो वाटर है किसी कंटेनर के अंदर, ये जो लिक्विड है ये मरकरी है, और ये मान लो एक सिंपल कोई भी फ्लैट सरफेस है। इसका एग्जांपल है, तुम ग्लास ले लो और नॉर्मल वाटर ले लो, तुम्हारा मेनिस्कस ऐसा दिखेगा। कोई मुझे बोल रहा था आज कि सर मुझे दिखता नहीं ऐसा, कहता आप पानी का गिलास ले लो अपना, आपको तो मुझे तो मेनिस्कस ऐसा दिख भी नहीं रहा। हाँ मैंने कहा मुझे भी नहीं दिख रहा। तो फिर कहता ये कैसे है, ट्यूब तुम्हें बहुत ज़्यादा छोटी लेनी पड़ती है, कैपिलरी ट्यूब, उसमें तुम्हें दिखेगा। तुम लैब के अंदर एग्जाम्पल करोगे केमिस्ट्री के फिजिक्स के, जिसमें एक बड़ी ट्यूब के अंदर पानी डालना होता है, उसमें बहुत क्लियर दिखता है। और टीचर बोलता भी है कि तुम रीडिंग कहाँ से लेके आए, तुम कहते हो लोअर एंड से लेके आया, क्योंकि ट्यूब की रीडिंग हमेशा अपर की बजाय लोअर से ली जाती है, राइट। तो ये मेनिस्कस आपको छोटी ट्यूब में दिखेगा, बड़ी बाल्टियों में नहीं दिखेगा या ग्लास में भी कम दिखेगा। ये जो एग्जाम्पल है ये मरकरी है, तो ट्यूब में मरकरी डाल दो तो ये तो तुम्हें साफ दिखेगा, तो ये शेप ऐसी अक्वायर कर लेगा। और ये जो अगर तुम चांदी के गिलास में पानी पीते हो, सिल्वर स्पून यूज़ करते हो और चांदी, तो फिर तुम्हें शायद नहीं दिखेगा, पतली ट्यूब में भी नहीं दिखेगा, क्योंकि जो सिल्वर है और प्योर वाटर है इसमें जो एंगल ऑफ कॉन्ट मीन्स ये जो सरफेस है वो फ्लैट बनता है, फ्लैट सरफेस है, क्योंकि सिल्वर के केस में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वाटर वाटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी बराबर होता है, वो जिस वजह से वो मेनिस्कस बना नहीं पाता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर पूछ ले कि एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल्स हैं, किसमें मेनिस्कस कंकेव बनेगा, किसमें कन्वेक्स बनेगा और किसमें फ्लैट बनेगा, तो पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल्स हैं। तो अब तुम एक काम करो, यहाँ पर जो लिक्विड है, यहाँ पर लिक्विड का ये सॉलिड के साथ इसका जॉइंट है, मीन यहाँ पर ये मिल रहा है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करो लिक्विड के ऊपर, लिक्विड के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ये एरो मान लो आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट ने, इस एरो ने कितना एंगल बनाया सॉलिड की सरफेस के साथ, इस टेंजेंट ने कितना एंगल बनाया सॉलिड की सरफेस के साथ। लेकिन वो एंगल दो बन सकते हैं, कोई कहेगा ये ले लो, कोई कहेगा ये ले लो, ये दोनों सॉलिड के साथ ना, तुमने लिक्विड के अंदर लेना है, तुमने लिक्विड के बाहर एंगल लेना, तुमने लिक्विड के अंदर एंगल लेना है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये जो टेंजेंट है इसने सॉलिड के साथ जो एंगल बनाया लिक्विड के अंदर वो कितना है, वो थीटा है, इसे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। अब मरकरी का केस लेते हैं, मरकरी में टेंजेंट ऊपर बनेगा, मरकरी के टेंजेंट ने इस सॉलिड के साथ एंगल क्या बनाया, थीटा, लेकिन कहाँ, आपने ये एंगल नहीं लेना, आपने ये एंगल लेना है थीटा, तो आपने इसकी जगह ये एंगल लेना है, तो ये एंगल थीटा है, कोई डाउट इसमें। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्लियर है। और अगर मैं ये फ्लैट सरफेस लूँगा तो फ्लैट के अंदर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, और टेंजेंट ड्रॉ करके ये एंगल कितना है इसमें 90, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लैट सरफेस में 90 होगा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो याद रखना, लिक्विड मीन्स अगर वाटर है, वाटर और ग्लास के बीच में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90, तो लेस देन 90 में मेनिस्कस नीचे की तरफ जाएगा, कनकेवी शेप होगा। और अगर मान लो ऊपर की तरफ गया मेनिस्कस, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा ग्रेटर देन 90, मरकरी में हमेशा एंगल ग्रेटर देन 90 होगा। और उसी तरीके से अगर फ्लैट है तो फिर पूरा 90 होगा, ठीक। तो इस केस में इट इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये रहा इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ यहाँ पर एंगल थीटा बनेगा, लेकिन किसके किसके बीच में, बिटवीन लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस इन साइड द लिक्विड। ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ बनेगा, बाहर नहीं बनेगा, हवा में नहीं बनेगा, लिक्विड में बनेगा। तो वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किस पे डिपेंड करती है, मतलब ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मेनिस्कस पे डिपेंड करती है, मेनिस्कस की शेप कैसी है। मेनिस्कस किस पे डिपेंड करता है, आपसी कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस पे डिपेंड करता है। तो वो कह रहे हैं कि पहला पॉइंट है नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड इन कॉन्टैक्ट, कि सॉलिड और लिक्विड कैसा है। आप सिल्वर ले रहे हैं, प्योर वाटर ले रहे हैं, या आप वाटर ले रहे हैं, ग्लास ले रहे हैं, या आप मरकरी ले रहे हैं, लिक्विड क्या ले रहे हैं, सॉलिड क्या ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्योंकि आप कोई भी लिक्विड लेंगे उसका मेनिस्कस डिफरेंट बनेगा, टेंजेंट डिफरेंट बनेगा, एंगल डिफरेंट बनेगा। नेक्स्ट है क्लीनिनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, सफाई कहाँ से आ गई, क्लीनिनेस क्यों भाई, साफ बर्तन लेंगे तो एंगल अलग बनेगा, थोड़ा गंदा लेंगे तो अलग बनेगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा क्यों ना होंगी, लेकिन थोड़ा और बेसिक लेवल पे आंसर दो। तुम्हें ऐसा फील नहीं हो रहा
कि एटम ही चेंज हो जाएंगे। तुम ग्रीस लगा के अगर दे दोगे ग्लास, तो ये तो एंगल ग्रीस के एटम और वाटर के बीच में बन जाएगा। और कहने का मतलब जब आप एक मटेरियल को ही गंदा कर देंगे, अब देखो सारी गेम किसकी है, एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस की। अब वो भी एक जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके इम्प्योरिटी के, वो भी क्या लगाएंगे, फोर्सेस लगाएंगे। जब वो फोर्स लगाएंगे आपके मेनिस्कस को चेंज कर देंगे, और डिफरेंट फोर्स से डिफरेंट मेनिस्कस बनेगा, जिस वजह से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी चेंज होगा। इसलिए इम्प्योरिटी बोल दिया, इम्प्योरिटी क्लीननेस जो मर्जी बोल दो, और ऐसी मीडियम ऑफ द फ्री सरफेस। अब ये क्या है, मतलब यहां का मीडियम भी डिपेंड करेगा, क्यों? अब वो भी थर्ड पार्टी आ जाएगी जो कहेगा मैं भी एटम लेके आऊंगा, आपने केरोसिन डाल दिया, आपको मैं भी फोर्स लगाऊंगा वाटर के ऊपर। अभी तो एयर की फोर्स तो बहुत कमजोर है, एयर तो नहीं खींच पाती पानी को बहुत ज्यादा, कोई और अगर लिक्विड होगा तो खींच पाएगी, तो अगेन फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले तो झगड़ा ग्लास और वाटर में है, अब झगड़ा ग्लास वाटर और थर्ड मीडियम के अंदर भी हो जाएगा जो स्ट्रांग हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेनिस्कस अफेक्ट होगा, और मेनिस्कस खराब भी हो सकता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। टेम्परेचर क्यों? वो हिलेंगी, काइनेटिक एनर्जी अक्वायर कर लेंगी, ऑब्वियसली गर्म करने से काइनेटिक अक्वायर करेंगी, ग्लास के बाद जो मॉलिक्यूल है भागता भागता कहीं और चला जाएगा, तो फोर्स कैसे बनेगी? मेनिस्कस खराब होगा ही होगा, पक्की बात है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज होगा ही होगा। तो ये फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड करता है। अब लिक्विड, ये पेपर में आता है, लिक्विड दैट वेट्स द वॉल ऑफ द कंटेनर एंगल इज लेस देन 90, मतलब जो गीला करती हैं, मतलब मान लो एक कंटेनर है उसको भिगो देती है, गीला करती हैं, वो लिक्विड का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा लेस देन 90 है। जैसे पानी, पानी ग्लास को गीला करता है, क्यों? क्योंकि ये ग्लास इस पानी के फोर्स, पानी को खींचता जा रहा है, और अगर आप पानी उल्टा भी कर देंगे तो ग्लास कुछ मॉलिक्यूल को खींच के रखेगा और वेट कर देगा। तो यानी कि जिनमें ग्लास और वाटर के अंदर फोर्स हाई है, तो वहाँ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बनेगा, लेस देन 90। तो वहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 का मतलब ये वेट करेगी सरफेस को, बिल्कुल वेट नहीं करती, क्योंकि मरकरी का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 है, 120 के आसपास होता है, क्योंकि मरकरी, मरकरी की फोर्स बहुत स्ट्रांग है। तो मेनिस्कस ऐसा बन जाएगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, थीटा ग्रेटर देन 90, तो ये वेट नहीं करेगी। तो जिनका एंगल लेस देन 90 है वो सरफेस को वेट करती हैं, जिनका एंगल ग्रेटर देन 90 है वो सरफेस को वेट नहीं करती, और जिनका और ग्लास नॉर्मल ग्लास, वो पानी का ग्लास है और वाटर, इनके बीच में अप्रॉक्सीमेट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 8 डिग्री होता है सिर्फ। 8 डिग्री तो बहुत छोटा नहीं हो गया, 8 कैसा हुआ, डायग्राम बना के देखें, ये रहा कंटेनर, ये 90 है सरफेस पे, अगर यहाँ ड्रॉ करेंगे 90 है, अब 8 कैसे बनना चाहिए, 8 तो ऐसा बनना चाहिए ताकि टेंजेंट एकदम नीचे ऐसे चला जाए, 8 डिग्री टेंजेंट एकदम नीचे चला गया, ठीक, ऐसा कुछ इमेजिन करें। और दिखे ना दिखे बात अलग है मेरे पानी के ग्लास में, पर ट्यूब में तो आपको कहीं ना कहीं दिख सकता है, काफ़ी नीचे को जाके ऊपर उठेगा, तो 8 डिग्री है, समझ में आ रहा है? जितना फ्लैट होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट उतना ही बड़ा होता जाएगा 90, जितना छोटा है वो नीचे को उठ के ऐसे उठेगा, ताकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्लास के साथ 8 डिग्री बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। जीरो का मतलब, 1 डिग्री मतलब बिल्कुल ही, जैसे बोलते हैं कि बिल्कुल नीचे चला गया, फिर चाहे जैसे मर्जी, ये टेंजेंट जो है बहुत छोटा है, 8 डिग्री बहुत छोटा है वैसे तो। और प्योर जो आपका वाटर और सिल्वर है तो उसके लिए 90 डिग्री है, याद करने हैं, सीधा मार्क करने को फैक्ट्स आ सकते हैं और कुछ भी नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं केप्लैरिटी से।